हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट चीज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि टाइप चेकिंग विद प्रोप टाइप्स कैसे होती है। ठीक है, सो सबसे पहले इसका मतलब ही समझ लेते हैं। मतलब क्या होता है, आपके पास एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर कुछ प्रोप्स आ रहे हैं और आप उनके ऊपर टाइप चेक करना चाहते हो कि किस टाइप का है। लेट्स से कि वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो फंक्शनल है, वो ऑब्जेक्ट है, नंबर टाइप का है, आप ये चेक करना चाहते हो तो किस तरीके से करो, वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। इसका बेनिफिट क्या रहता है, देखिए जब आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो जाती है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो कई बार आप ऐसा डाटा पास कर देते हो जो आपको नहीं चाहिए होता। मान लो कि आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए बट आप उसकी जगह पर स्ट्रिंग भेज देते हो, ठीक है, तो वो अगर आपको प्रोप टाइप यूज़ कर लोगे तो आपको पहले से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है और आपका जो कोड है वो आप इजिली कैच कर सकते हो बग्स को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंपोनेंट बनाता हूँ। कंपोनेंट का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ अबाउट डॉट जे एस, राइट। सो और यहाँ पे आरसीसी करके मैं कंपोनेंट जनरेट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच वन टैग लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट कंपोनेंट, परफेक्ट। और इसको मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ, ठीक है। सो इम्पोर्ट करने के लिए लिखता हूँ मैं इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम अबाउट और अब यहाँ पे आ जाएगा अबाउट, परफेक्ट। सो जैसे हमने ये यूज़ करा, अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एज एन कंपोनेंट इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू भेजता हूँ जैसे कि एज, ठीक है, और मैं इसके अंदर एज भेजता हूँ यहाँ पे लेट्स से सिंपली मैं यहाँ पे 20 पास कर रहा हूँ यहाँ पे मैं एज की, ठीक है। सो अब देखिए एज जो मैंने भेजी है ना इसमें स्ट्रिंग टाइप की भेजी है बेसिकली, ठीक है, और मैं इस कंपोनेंट में आके और यहां पे लिखता हूं H2 टैग और यहां पे मैं बेसिकली प्रिंट करवाता हूं दिस डॉट स्टेट डॉट एज, ठीक है। सो और यहां पे आप चेक करोगे, लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है। अब सॉरी, ये एक्चुअली मैंने प्रॉप्स पास करी है, स्टेट पास नहीं करी है। सो आप देख सकते हो कि यहां पे हमारी एज आ गई है 20, बट अब ये सिंबल है, ये तो हमने जो स्ट्रिंग भेज दी यहाँ से, बट टेक्निकली देखा जाए तो एज तो न्यूमेरिक होना चाहिए ना, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको पता कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम और यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोप टाइप्स, परफेक्ट। और यहाँ से हम निकाला तो हमने यहाँ पे निकाला है प्रॉप्स और प्रॉप टाइप्स, परफेक्ट। सो उसके बाद में हम क्या लिखने वाले, जैसे ही हमारा कंपोनेंट खत्म हो जाता है यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अबाउट जो हमारे कंपोनेंट का नाम डॉट प्रॉप टाइप और उसके बाद में यहाँ पे हमारे जितनी प्रोप्स आने वाले हैं हम चेक कर सकते हैं। लेट्स से जैसे कि एज आ रहा है, सो मैं यहाँ पे एज चेक करता हूँ एज कोलन इसका कैपिटल होगा प्रोप टाइप डॉट नंबर, ठीक है, बेसिकली एज हमारा नंबर होना चाहिए। और अब हम जैसे यहाँ पे आते हैं तो ये क्या बता रहा है हमको, देखिए इसने, मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब भी हम प्रोप टाइप चेक करते हैं कुछ गलत आता है तो, बट आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अबाउट के अंदर इसने बता दिया कि एज है वो टाइप स्ट्रिंग है बट वो एक्सपेक्टेड नंबर होना चाहिए। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको स्ट्रिंग की बजाय यहाँ से मैं नंबर भेज देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे भेजा तो देख सकते हो कि यहाँ से वार्निंग गायब हो चुकी है। इसके अंदर मैं कुछ और भी भेज सकता हूँ जैसे कि नेम, और नेम मैंने भेजा अनिल सिद्धू और यहाँ पे मैं इसकी प्रोप टाइप चेक करता हूँ नेम की, लेट्स से कि नेम के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लेट्स से कि मैंने अभी के लिए नंबर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, मतलब दिस इज़ नॉट करेक्ट बट फाइन, मैं आपको क्योंकि एरर ला के दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ। सो अभी आप देखोगे कि नेम तो यहाँ पे आ जाएगा बट स्टिल हमारे पास एरर आ गई कि एक्सपेक्टेड है वो नंबर है बट वो आ गया, तो ये हमने यहाँ पे गलत डिफाइन कर दिया है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे इसको, ठीक है, बिकॉज नेम होता है वो स्ट्रिंग के अंदर ही होता है। और अभी यहाँ पे ये परफेक्टली काम कर रहा है और यहाँ से एरर भी गायब हो गया। सो आपको मैं कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ कि कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या हम चेक कर सकते हैं। सो वी हैव टू जस्ट गो ऑन फर्स्ट लिंक, पहले लिंक पे जाते हैं और ये देखें हम कितने तरीके से एरे, बुलियन, फंक्शन, नंबर, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, सिंबल,
बहुत सारे होते हैं, चेक कर सकते हैं आप चाहो तो। अगर मैं एक एक बताऊंगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बट सारे के सारे सिमिलर हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।